नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हेल्प टेक्निकल सपोर्ट में। आज हम बात करेंगे BRO का फॉर्म जो है उसको कैसे फुलफिल करना है, क्योंकि ये फॉर्म जो है ऑफलाइन है, ऑफलाइन इसको फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको इसको बाय पोस्ट सेंड करना होगा। तो जानते हैं फॉर्म को कैसे, क्या प्रोसेस है इसका। तो प्रोसेस जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और जो लोग नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको फॉर्म हम PDF फॉर्म में दिखा रहे हैं, इसको आपको प्रिंट कराना होगा। प्रिंट किस फॉर्म, जिस फॉर्म को किस पेपर में प्रिंट कराना होगा, तो आप जानते होंगे कि लोग सीधा जाके ऐसे प्रिंट करवाते हैं, जो A4 शीट होती है, A4 पेपर होता है, इस पर प्रिंट करवाते हैं। लेकिन नहीं, इसका एक रूल है, जो ये पेपर होता है, जो ऑफलाइन पेपर कोई भी आपको फिल करना हो, उसको आपको सिंपल ये वाले कागज़ पर नहीं प्रिंट कराना होगा। इसके लिए एक अलग से पेपर आता है, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड पेपर। आपको सिंपली बॉन्ड पेपर को जाना हो कैफ़े पे, किसी भी कैफ़े पे आप चले जाइए, उनसे बोलिए बॉन्ड पेपर पे हमें ये फॉर्म को फिलअप करना है, तो आप इसका प्रिंट निकाल दें, तो सिंपली आपको वो प्रिंट निकाल कर दे देंगे। आपको ये प्रिंट मिल जाएगा, तो प्रिंट को भरना कैसे होगा, तो प्रिंट को भरने का प्रोसेस जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फॉर्म को भरने का प्रोसेस शुरू करते हैं। हम आपको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए इसमें साफ साफ दिया गया है, ऑल एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन A4 साइज 75 GSM का बॉन्ड पेपर। ये देखिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है 75 GSM का बॉन्ड पेपर। बॉन्ड पेपर ही यूज होना चाहिए, अगर बॉन्ड पेपर यूज नहीं करते तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर बात करें नेम ऑफ पोस्ट की, तो अगर नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो हमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हमें फॉर्म भरना है। आपको सिंपली यहाँ पर भर देना है, भरने के बाद नीचे आना है, सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट का जो सीरियल नंबर है आपको क्या फिल करना होगा ये आपको बता देते हैं। देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर ये आपके सामने लिखा हुआ है 02/2022, आपको सिंपली यहाँ पर फिल कर देना होगा एडवर्टाइजमेंट नंबर। दूसरे ऑप्शन तीसरे नंबर पर बात करें रिक्वायरमेंट सेंटर, तो ग्रिप सेंटर पुणे है इसका, ऑलरेडी ये फिलअप है। फिलअप होने के बाद आते हैं अब इसका चौथे ऑप्शन पे आते हैं। इस पर बात की गई कैटेगरी की, आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी लगती है आपको सिंपली इसको यहाँ पर टिक कर देना। टिक करने के बाद आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद आपका वेट मार्क्स, जो आपका वेट है, वेटेड मार्क्स, आपको कितना नंबर आया है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे आपको 10+2 में, यहाँ पर ITI से आप फिल कर रहे होंगे, ITI के आप छात्र हैं, तो अगर आप ITI से फिल कर रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर ITI फिल कर इसके बाद आप एडिशनल कोई देना चाहते हैं वो फिल कर देना, कितने, फिर इसके बाद आपको टोटल नंबर कितने परसेंटेज हैं वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद नीचे बढ़ते हैं छः नंबर के ऑप्शन पर क्या बात की गई है, वेदर बिलोंग टू मिलिट्री कम्युनिटी, आपकी अगर जो वेदर की बात करें, आपको जो क्लाइमेट है, मौसम है, वो कैसा, जो भी है आपको यहाँ पर यस और नो कर देना अपने अकॉर्डिंग। फिर बात करें आपको इस पर देखो कास्ट की बात की गई है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी आपका यहाँ पर लगता है आप, अगर नहीं है तो सिंपली इफ़ एनी अदर पे क्लिक कर देना। अगर आपका मतलब इस पर जो धर्म है वो नहीं आता तो सिंपली आपको इफ़ एनी अदर पर क्लिक कर देना। फिर इसके बाद आगे बात करें 7 नंबर पर, अगर आपके पास EWS है तो EWS को आपको सिंपली क्या करना होगा, फिर आपको नीचे वाले ऑप्शन पर आ जाना। ऑप्शन पर नीचे आने के बाद जैसे आपको अगर आपका EWS है, EWS पे आपको क्लिक कर दे रहा है, फिर इसके बाद आपको करना क्या होगा, इसके बाद आपको नीचे वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आपको सिंपली 8वें नंबर पे आने के बाद आपको कैंडिडेट का जो नेम है, देखिए इसमें क्या बोला गया है, नेम ऑफ कैंडिडेट इन बॉक्स
पर 10th मैट्रिक्स का सर्टिफिकेट कैलकुलेशन, आपको जो 10वीं पे जो आपके नंबर लिखा हुआ है उसको आपको सिंपली यहाँ पर फिल कर देना। फिल करने के बाद आपको फिर जैसे आपके हाई स्कूल पे जो नंबर जो आपका नाम लिखा हुआ है उसको आपको सिंपली यहाँ पर फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद आपको जो आपका कैंडिडेट नेम है, जो भी आप कैंडिडेट नेम है उसको आप पर बॉक्स में आपको एक एक लेटर भरना है। लेटर भरने के बाद आपको 9वें नंबर पे आ जाना है। 9वें नंबर पर आके आपको सिंपली फादर नेम पूछा गया है। आपको फादर नेम में सिंपली आपका जो फादर नेम है जो आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है वो आपको सिंपली एक एक लेटर, जैसे आपका नाम में लिखना है एक एक बॉक्स पर एक एक लेटर को लिख देना है। जैसे बीच में जैसे आपका नाम नीरज कुमार है तो नीरज और कुमार में एक अगर अंतर है तो सिंपली आपको नीरज लिख के फिर उस पर एक बॉक्स छोड़ देना। छोड़ने के बाद आपको कुमार के लिखना है। इसके बाद अगर बात करें आगे की, फिर आपको आना है नीचे वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर देखिए क्या करना होगा आपको, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ तो आप भर ही लेंगे। 10वें नंबर पे बात करें अगर तो डेट ऑफ बर्थ आपको हाई स्कूल की मार्कशीट और जो आधार की मार्क जो डेट ऑफ बर्थ है दोनों की मैच होनी चाहिए। अगर मिसमैच होगा तो आपका फॉर्म फिर भी रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं 11वें नंबर ऑप्शन पे। 11वें नंबर ऑप्शन पे देखिए क्या दिया गया, परमानेंट एड्रेस। आपको परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड, ठीक है। तो आपको परमानेंट एड्रेस एक एक कॉलम पे आपको भरना है। जैसे आप नाम भरते हैं, नाम की जैसे आपका गांव कोई है, गांव के बाद कुछ और लिखना है आपको, उसका पोस्ट लिखना है तो आप एक कॉलम छोड़ देंगे। एक कॉलम छोड़ने के बाद फिर लिखेंगे आप। इसके बाद स्टेट का ऑप्शन दिया है, सेम इस तरह आपको स्टेट लिखना है। स्टेट के बाद आपका पिन कोड दिया है, पिन कोड 6 डिजिट का आपको यहाँ पर फिल कर देना। फिर नीचे वाले 12वें नंबर पर आपको आना है, 12वें नंबर का ऑप्शन प्रेजेंट जो पोस्टल एड्रेस हो, जैसे एक आपका परमानेंट एड्रेस होगा, एक जैसे आपका होता है पोस्टल एड्रेस जहाँ स्थाई नहीं होते अस्थाई रूप से रह रहे होते हैं उसके लिए, वो अगर आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं। अगर परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम है तो दोनों में आप सेम भर देंगे। फिर इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए बैंक और बैंक का नाम डालना है, ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस डालना है, ट्रांजेक्शन डेट डालनी है, अमाउंट डालनी। ये आपको कब मिलेगा, जब आप फॉर्म के पहले आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के बाद जिस बैंक से आपने पेमेंट की वो बैंक का नाम या फिल करने का, ऑनलाइन अगर पेमेंट है तो उसमें एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, उस रेफरेंस नंबर को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आ जाना है ट्रांजेक्शन डेट पर, ट्रांजेक्शन डेट उस पर फिल लिखी होती है उसको फिल कर देना। फिल करने के बाद जो अमाउंट आपका कटा है वो अमाउंट आपको यहाँ फिल कर देना। फिल करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए 14वें नंबर ऑप्शन पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, इफ़ कैंडिडेट बिलोंग मोर देन वन कैटेगरी, अगर आपका जो कैटेगरी कुछ और है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, नहीं तो आपको सीधा नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाना है। नीचे वाले ऑप्शन पे देखिए एक्स मैन है आप तो यस कर दें, नहीं है तो सिंपली नो। इसी तरह आपको पूरा ये 15 नंबर क्वेश्चन यस नो करके फिल कर देना। फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए नोट पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ एस फॉर एवम 15th राइट फॉर वन स्टेट लेवल, टू जो है आपका 2 फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड 3 फॉर यूनिवर्सिटी लेवल। आपको जो भी आपको जिस लेवल पे लेना है वो आप यहाँ फिल कर देंगे इस बॉक्स पे। नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाना है। नीचे आप वाले ऑप्शन पे आपको क्वालिफिकेशन मांगेंगे, क्वालिफिकेशन 10+2 का आप यहाँ भर देना है। यहाँ पर एग्जाम नेम यूपी बोर्ड है, जैसे आपका CBSE बोर्ड जो भी है, पासिंग ईयर डाल देना है। जो यहाँ पर जैसे नेम ऑफ एग्ज़ाम है तो आपका कक्षा दस है बारह है तो आपको यहाँ भर देना। फिर उसके बाद पासिंग ईयर भर देना। फिर बोर्ड जैसे आपका यूपी बोर्ड, ये CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है बोर्ड आपको फिल करना। फिल करने के बाद सब्जेक्ट है जो आपके सब्जेक्ट फिल कर देना। फिल करने के बाद आपको मार्क्स भर देने, कितने में कितने मार्क्स आए, कितने परसेंट आए, आपको इस तरह फिल कर देना। फिल करने के बाद जो टेक्निकल आपका एजुकेशन है, जैसे आपका BTech है, पॉलीटेक्निक, ITI, जो भी आपने कर रखा है वो आपको यहाँ पर टेक्निकल बोर्ड, जैसे आपका जो यहाँ पर बोर्ड है बोर्ड का नाम, जैसे यहाँ पर हम बात करें नेम ऑफ एग्ज़ाम की, तो आप जैसे ITI बेस पे आप भर रहे हैं तो सिंपली आपको ITI भर देना। ITI भरने के बाद पासिंग ईयर आपको फिल कर देना। पासिंग ईयर जो आप बहुत से लोगों को दिक्कत ये आती है कि बोर्ड इस पर क्या भरे हम, BRO वाले में बोर्ड क्या भरे, जैसे ITI वालों का बोर्ड क्या होता है, तो इसमें दो ही बोर्ड चलते हैं, एक SCVT एक NCVT। अब इस टाइम SCVT नहीं चल के NCVT चल रहा है, तो आप एक बार अपनी मार्कशीट पर देख लीजिएगा NCVT है या SCVT है, स्टेट लेवल है या नेशनल लेवल, आपको यहाँ से देख के आपको यहाँ पर सिंपली फिल करें। फिल करने के बाद सिंपली आपको जो ना मार्क्स मिले हैं मार्क्स भर देना है, कितने में कितने मार्क्स मिले, कितने परसेंट बनना है वो आपको यहाँ पर फिल करें। फिल करने के बाद
आपको नीचे वाले 17वें नंबर के ऑप्शन पर इस पर आना है। देखो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको यस और नो, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास तो आपको भर देना है। इस जो जारी दिनांक वो भर देना है, कब तक किसके द्वारा ये जारी हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ परिवहन एवं परिवहन जो मतलब परिवहन है इसका, वो यहाँ पर फिल कर देना है। फिर यहाँ पर आपको प्रोवाइड लाइसेंस, यहाँ पर जो वैलिडिटी लाइसेंस की है वो कब तक है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद रिन्यूअल कब होगा इसका वो यहाँ पर फिल कर देना है, अगर आपके पास रिन्यूअल हो चुका है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद आगे ऑप्शन पर बढ़ते हैं, टोटल एक्सपीरियंस की बात करें, अगर टोटल एक्सपीरियंस कोई आपके पास है तो फिल कर देना है, तो सिंपली उसको खाली छोड़ देना है। फिर बात करें आपके पास ओनली फॉर VRO लेबर, मतलब ये सिर्फ VRO के लिए भरा जा रहा है और किसी के लिए नहीं भरा जा रहा है, ये क्लियर इस पर बात बोली गई है। फिर ये डिक्लेरेशन फॉर्म है आपके पास 20वें नंबर डिक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ पर अपना प्लेस भर के डेट भर के लेफ्ट थंब का इंप्रेशन और सिग्नेचर कैंडिडेट सिग्नेचर मार के फिल कर देना। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी होगी, ये क्योंकि एडमिट कार्ड बेस पे है। फिर यहाँ पर ये जो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर सिंपली लिखा हुआ है ओनली फॉर ऑफिशियल यूज्ड, इसको सिंपल खाली छोड़ दे। फिर उसके बाद आपको अपना नाम भर देना है, सन ऑफ में अपने पिता का नाम भर देना, हाउस नंबर जो भी आपका पूरा यहाँ पर भर देना है। भरने के बाद आपको सिग्नेचर देखिए यहाँ पर सबमिशन के समय यहाँ पर एक बार सिग्नेचर करना है, फिर इसके बाद रिटर्न जब टेस्ट होगा आपको यहाँ पर तब सिग्नेचर और लेफ्ट थंब लगाने होंगे। फिर इसके बाद फिजिकल टेस्ट के समय आपको फिर यहाँ पर एक बार सिग्नेचर और लेफ्ट थंब लगाना होगा। उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट के टाइम पे, मतलब हर टाइम आपको ये नहीं कि एक ही टाइम में आपको सारे सिग्नेचर और थंब नहीं लगाने हैं, हर एक टाइम पर आपको ये पर्ची आपको एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इस पर आपको लेफ्ट थंब और सिग्नेचर आपको करने होंगे। फिर इसके बाद नीचे आपको आ जाना है, नीचे वाले ऑप्शन पर इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर बात करें आपको ये इनकम असिस्ट जो सर्टिफिकेट है इसको अगर आपको करना है तो आपको इसको भर देना, भरने का सिंपली फिल करके आपको रख लेना अपने पास। बाकी देखिए जो जो बात हुई थी फीस की, फीस के लिए जो लिंक दे रखी है इस लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप सिंपली वहां से पेमेंट कर पाएंगे। इसके पहले हम वीडियो एक बना चुके हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा कर के वीडियो देख सकते हैं, उस पर भी हमने इसका पेमेंट लिंक दे रखा है, आप वहां सिंपली पेमेंट कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको ये फॉर्म को सिंपली बॉन्ड पेपर पे आपको ये प्रिंट करवाना हो, प्रिंट करवा के आपको फॉर्म फिल करके आपको बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट लगा देनी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो चैनल पर नए हैं उनको लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।